नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो गाइस जो आज का वीडियो होने वाला है वो खासकर उन लोगों के लिए खास होने वाला है जिनके पास 4GB रैम है और 512MB ग्राफिक कार्ड है और एक मिड रेंज वाला प्रोसेसर है। तो वेल गाइस, अगर आप इतना सिस्टम रिक्वायरमेंट फुलफिल रखते हो और आप अच्छे गेम्स खेलना चाहते हो जो कि ओपन वर्ल्ड हो, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। और एक बात दोस्तों, कि जितने भी गेम्स के लिंक है आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे, वेबसाइट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भाई देर किस बात की, विजिट करो एंड अपने गेम को इंस्टॉल करो। दूसरी बात कि अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम एंड हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो भाई घर कह रहे हो, भाई जाके ज्वाइन कर लो भाई। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला गेम निकल के आता है उसका नाम है बैटलफील्ड 4। एंड दोस्तों बैटलफील्ड 4 एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया है EA डाइस के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। सो वेल गाइस, आप इस गेम को बोल सकते हैं कि ये बैटलफील्ड 3 का पूरा सीक्वेंस है जो कि 2011 को रिलीज किया गया था। बैटलफील्ड 4 को रिलीज किया गया था अक्टूबर 2013 को एंड वेल गाइस, ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स एंड आपके पीसी के लिए। मिशंस कंप्लीट करना रहता है एंड बेसिकली इस गेम का मेरे को सबसे अच्छा बात ये लगता है कि पूरा ओपन वर्ल्ड गेम, यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड व्यूइंग एंगल मिलता है एंड अलग अलग सिटी में आप यहाँ पर अपना मिशंस को कंप्लीट करते हो। तो बेसिकली इसका जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो बहुत ही ऑसम है एंड ये पूरा मिशंस, ये पूरा कैंपिंग टाइप का गेम है। साथ ही ये मल्टीप्लेयर भी है दोस्तों। तो अगर इस गेम को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बात करें इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट की तो भाई इसका जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो आपके 4GB रैम में आराम से चल जाएगा। तो यहाँ पर भी जो बैटलफील्ड 4 का है वो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मिनिमम 4GB होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो कोर टू डुओ में गेम आराम से चल जाएगा। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512MB नीड है। एंड दोस्तों स्पेस की बात करें तो यार आपके पास 15GB का स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप पे। तो भाई इतना सिस्टम रिक्वायरमेंट है, इस गेम को आप स्मूथली खेल सकते हो एंड गेम का पूरा एक्सपीरियंस ले सकते हो। वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। तो गाइस हमारा जो सेकंड गेम निकल के आता है उसका नाम है फार क्राई 3। गेम फार क्राई 3 जो है दोस्तों वो एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा एंड को रिलीज किया गया 29 नवंबर 2012 को। एंड दोस्तों ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, प्लेस्टेशन 4, प्लेस्टेशन 3, एक्सबॉक्स एंड आपके पीसी के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम जेसन रहता है एंड वो रूक आइलैंड जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ वेकेशन मनाने। एंड उसके भाई जो रैली रहता है उसको पायलट लाइसेंस मिलने की खुशी में वो पार्टी मनाते रहता है। तो होता क्या है दोस्तों कि वो पार्टी मनाते मनाते स्काई डाइविंग करता है एंड स्काई डाइविंग के साथ वो एक आइलैंड में उतरते जहां वास नाम का एक बंदा रहता है जो जब ये लैंड करते हैं उस आइलैंड में तो सब इधर उधर हो जाते हैं दोस्तों। एंड देन आफ्टर वास जेसन के एंड कुछ उसके फ्रेंड्स को पकड़ लेता है एंड जैसे तैसे वास के कब्जे से छोड़ा के जेसन जैसे तैसे वहां से निकलता है। एंड देन आफ्टर यहां पर मेन स्टोरी स्टार्ट होता है। यहां पर अब जेसन वास के जो भी बेस रहते हैं उन सब अब वास को मानना रहता है। तो इस हिसाब से जेसन वन बाई वन वास के जितने भी बेस रहते हैं उन सभी को खत्म करता है, लास्ट में वास को मार देता है। तो बेसिकली एक स्टोरी लाइन मिशन गेम है दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड का व्यू देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही साथ का जो ग्राफिक्स क्वालिटी भाई वो कतई ओपी है। एंड जो फार क्राई 3 का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो बेसिकली दोस्तों जो फार क्राई का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है जिसमें कि आप इस गेम को स्मूथली खेल सकते हो वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मिनिमम 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मिनिमम आपके पास 10GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप पे। तो अगर आपको इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो कूद फान के मेरे वेबसाइट पर जाएं, वहां से आपको इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। जो हमारा थर्ड गेम निकल के आता है उसका नाम है वॉचडॉग एंड वॉचडॉग के बारे में आप मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं तो फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। वॉचडॉग जो हमारा गेम है वो एक एक्शन एडवेंचर एंड साथ ही साथ ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। एंड बेसिकली इस गेम में आपको बेसिकली प्ले हैकिंग स्किल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करना रहता है एंड जो हमारा गेम का जो मैप है वो शिकागो शहर में बेस है जहाँ की पब्लिक जितनी भी पब्लिक है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब एक ओएस से कनेक्टेड है। तो बेसिकली उस ओएस का नाम सिटी ओएस रहता है। तो शिकागो शहर की एक प्राइवेट कंपनी उसे डेवलप कर से सभी चीज कंट्रोल होती है कि कौन आदमी कहां पर है एंड पूरे सीसीटीवी कैमरास पर पूरा सिटी इस ओएस से कंट्रोल होता है। एंड बेसिकली जो कंपनी रहती है वो इस
जितने भी डिटेल्स रहती है वो दूसरी कंपनी को सेल आउट कर देती है। मतलब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि भैया आपका जितना भी डिटेल्स है वो सभी प्राइवेट है, बट वो प्राइवेट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट रहता है एडम प्रियस रहता है, वो हाईली स्किल्ड एक ग्रेट हैट हैकर रहता है, कि शहर के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को वो हैक कर सकता है। तो बेसिकली अब यहाँ पर जो आपका मिशन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आपको मिशंस को कंप्लीट करना रहता है, एंड साथ ही साथ यहाँ पर पूरा ओपन वर्ल्ड व्यू मिलता है। एंड दोस्तों जो गेम का ग्राफिक्स है उसका क्या कहना, मतलब कुर्ता फाड़ के मैं नाचू ऐसा गेम का ग्राफिक्स है। आप इधर उधर सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, मतलब पूरा यार आपको ओपन वर्ल्ड सिटी का यहाँ पर पूरा एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो मैं बता दूं, रैम की बात करें तो मिनिमम 4GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड मिनिमम आपके पास 512 में नीड, एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास इंटेल कोर स्टूडियो का प्रोसेसर होना चाहिए, एंड स्पेस की बात करें 25GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके PC या लैपटॉप पे। बेसिकली अगर आप इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो भाई बोलने का क्या बात है, कूद फान के मेरे वेबसाइट पे जाओ, एंड वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी जाके इस गेम को इंस्टॉल कर लो। एंड वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। फोर्थ गेम निकल के आता है, उसका नाम है GTA 5। आई हार्ट GTA 5 के फैन है तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर करके जरूर जाना। तो यहां पर मैं GTA 5 के बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, वैसे एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, बट फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। दोस्तों GTA 5 एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया रॉकस्टार गेम्स के द्वारा। इस गेम को रिलीज किया गया था दोस्तों 17 सितंबर 2013 को, एंड बेसिकली इसमें आप सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हैं एंड और मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं, एंड बेसिकली पूरा ओपन वर्ल्ड गेम है। यहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं, एंड आफ्टर मिशन आप सिटी में इधर विधर भटक फिट रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात कि इस गेम का जो ग्राफिक्स है वो कतई ओपी ग्राफिक्स है, मतलब आप इस गेम को लो एंड PC में भी खेल सकते हो एंड अपने हाई एंड PC में भी खेल सकते हो। एंड बेसिकली इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो बेसिकली ये गेम आपकी सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे PlayStation 3 में खेल सकते हो, 4 में खेल सकते हो, Xbox में खेल सकते हो, इनफैक्ट अपने PC में भी खेल सकते हो। तो वेल गाइस इस गेम को जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो 4GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 में नीड है, एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 90GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। इस बढ़ते हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर, जो हमारा फिफ्थ गेम निकल के आता है उसका नाम है Max Payne 3। एंड अगर आपने मैक्स पेन एंड मैक्स पेन 2 नहीं खेला है तो भैया पहले उन गेम को खेलो, तब जाके मैक्स पेन 3 में आओ, क्योंकि स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगा तो गेम खेले कोई फायदा नहीं। अगर आप एक स्टोरी लाइन लवर है, मतलब स्टोरी लाइन मतलब सीक्वेंस भाई खेलने में आपको पसंद है, तो भाई मैक्स पेन 1 एंड मैक्स पेन 2 को खेलना जरूर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मैक्स पेन 3 की। तो अब कुछ लोग बोलोगे भाई थोड़ी ना 4GB वाला गेम है भाई, तो 2GB में चलेगा। तो भैया अगर आप स्मूथली गेम को हाई ग्राफिक्स में खेलना चाहते हो तो मैक्स पेन 3 आपके लिए ही बना है भैया जी। तो यहाँ पर मैक्स पेन 3 आपका एक थर्ड पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया हमारे चहीते रॉकस्टार स्टूडियो के द्वारा, एंड इसे पब्लिश भी किया गया रॉकस्टार गेम के द्वारा। गेम को रिलीज किया गया था May 15, 2012 को, एंड ऑलमोस्ट ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, PlayStation 3, Xbox एंड आपके विंडोज के लिए। एंड वेल गाइस गेम में आपको करना क्या रहता है, यहाँ पर आप मिशंस को कंप्लीट करना रहता है, एंड यहाँ ओपन वर्ल्ड का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। मतलब इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो बेसिकली इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात कर ले तो गाइस इस गेम का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मिनिमम 3GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 512 MB ग्राफिक कार्ड होना चाहिए आपके PC या लैपटॉप पे, और प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया मिनिमम 30GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपको इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना है, चाहे आप पार्ट 1 मैक्स पेन 1 या मैक्स पेन 2 या मैक्स पेन 3, इन तीनों को अगर आपको खेलना है तो कूद फान के सुपरमैन जैसे मेरे वेबसाइट पे जाओ एंड अपने गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ गेम के ऊपर। जो हमारा सिक्स्थ गेम निकल के आता है उसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2। अगर आपने कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 1 को नहीं खेला है तो भाई आपको स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 1 को जरूर से पहले खेलना, तब जाके कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2 को आप इंस्टॉल करना। तो यहाँ पर मैं कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2 के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2 एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया ट्राइच के द्वारा, एंड इसे पब्लिश किया गया एक्टिविजन के द्वारा, एंड ये ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म
लिए उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, प्लेस्टेशन 3 एंड आपके एक्सबॉक्स के लिए इस गेम को रिलीज किया गया था 12 नवंबर 2012 को। एंड एक मिशन स्टोरी लाइन मिशन टाइप का गेम है दोस्तों, यहाँ पर आपको मिशन कंप्लीट करना रहता है। एंड इस गेम की मोड की बात करें तो यहाँ पर आपको दो मोड मिलते हैं, एक सिंगल प्लेयर एक मल्टीप्लेयर। तो इस गेम में आपको पूरा ओपन वर्ल्ड व्यू मिलता है, आप ओपन वर्ल्ड का यहाँ पर एक्सपीरियंस का लुफ्ट उठा सकते हो। गेम का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो आप इसे 2GB में भी खेल सकते हो, बट आप अगर अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो 4GB रैम मिनिमम आपके पीसी या लैपटॉप पे होना चाहिए। रैम की बात करें तो मिनिमम 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। पेस की बात करें तो मिनिमम आप 12GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। अगर आप इस गेम को भी इंस्टॉल करना चाहते हो तो प्लीज मेरे वेबसाइट पर खुद फन के जाए एंड अपने गेम को इंस्टॉल कर ले। तो वेलगेज बढ़ते हमारे 7th गेम के ऊपर। सो वेलगेज हमारे 7th गेम निकल के आता है टॉम राइडर 2013 की बात करें तो एक एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया है क्रिस्टल डायनेमिक के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया स्क्वायर एनिक्स के द्वारा। टॉम राइडर गेम है, टोटली ओपन वर्ल्ड गेम है। यहाँ पर आपको मिशंस को कंप्लीट करना रहता है, मतलब यहाँ पर आपको पूरा वाइल्ड लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। मिशन स्टोरी लाइन मिशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको मिशंस को कंप्लीट करना रहता है। एंड यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इस गेम में आप ओपन वर्ल्ड व्यू का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ गेम को रिलीज किया गया था 5 मार्च 2013 को। एंड गेम की बात करें तो ये सिंगल प्लेयर भी है एंड मल्टीप्लेयर भी है। एंड गेम ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, प्लेस्टेशन 3, एक्सबॉक्स, प्लेस्टेशन 4 एंड आपके पीसी के लिए। एंड सबसे अच्छी बात ये दोस्तों ग्राफिक क्वालिटी है वो कतई ओपी ग्राफिक क्वालिटी है। गेम का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें दोस्तों मिनिमम आपके पास 3GB का रैम होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास ड्यूल कोर का प्रोसेसर होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो स्पेस की बात करें तो मिनिमम 12GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। तो बल गाइस इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना है अपने पीसी या लैपटॉप पे तो कूद फान के मेरे वेबसाइट पे जाओ और अपने गेम को इंस्टॉल कर लो। सो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 8 गेम के ऊपर। जो हमारा 8 नंबर वाला गेम है उसका नाम है बैटमैन आर्कम ओरिजिन। एंड दोस्तों बैटमैन आर्कम ओरिजिन एक एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है जो कि साथ ही साथ आपको इसमें ओपन वर्ल्ड का भी एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। बैटमैन आर्कम ओरिजिन को डेवलप किया गया था WB गेम्स के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया वार्नर ब्रॉस के द्वारा। इस गेम को रिलीज किया गया था अक्टूबर 25, 2013 को। साथ ही साथ गेम मोड की बात करें तो इसमें आपको सिंगल प्लेयर साथ ही साथ मल्टीप्लेयर भी मिल जाता है एंड ऑलमोस्ट ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए आपके उपलब्ध है। आप इसे प्लेस्टेशन 3 में खेल सकते हैं, एक्सबॉक्स में खेल सकते हैं, साथ ही साथ अपने पीसी में भी खेल सकते हैं। गेम में आपको क्या, हमारा जो मेन कैरेक्टर वो बैटमैन खुद रहता है। मेन विलन रहता है उसका नाम ब्लैक मार्क्स रहता है जो कि गौतम सिटी में तबाही मचाने लग जाता है, उसे रोकता है। साथ ही यहाँ पर मिशन कंप्लीट करना रहता है एंड आफ्टर मिशन आप सिटी में इधर उधर मंडरा सकते हैं, ओपन वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ले सकते हो। सो वेलगाइस इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है, मतलब अगर आप अच्छे एक्सपीरियंस के साथ इसे खेलना चाहते हैं तो अगर इसे आप 2GB रैम में भी खेल सकते हैं, बट इसे आप थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस स्मूथली खेलना चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास 4GB रैम होना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मिनिमम 4GB होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर 2 चल जाएगा। ग्राफिक कार्ड्स की बात करते हो 512 में नीड है। एंड दोस्त स्पेस की बात करें तो मिनिमम 15GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप पे। अगर आपको इस गेम को भी इंस्टॉल करना है अपने पीसी या लैपटॉप पे तो फूद फान के मेरे वेबसाइट पे जाओ एंड वहां से आप इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हो। सो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 9th गेम पर। 9th गेम निकल के आता है उसका नाम है असैसिन क्रीड 4 ब्लैक फ्लैग। एंड दोस्तों असैसिन क्रीड 4 ब्लैक फ्लैग भी आपका एक एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। एंड साथ ही साथ इस गेम को रिलीज किया गया था, इस गेम को रिलीज किया गया था 29th अक्टूबर 2013 को एंड ऑलमोस्ट ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे प्लेस्टेशन 3, एक्सबॉक्स एंड आपके पीसी के लिए भी खेल सकते हो। साथ ही साथ इस गेम के बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ दोस्तों। एक स्टोरी लाइन मिशन गेम मिलता है, यहाँ पर आपको मिशन कंप्लीट करने रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ का जो मैप है वो टोटली ओपन वर्ल्ड है, आप मैप को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के मैप है दोस्तों, पूरा ओपन वर्ल्ड बेस्ड है एंड इसका जो ग्राफिक्स है गेम का वो काफी ओपी है। एंड वेल गाइस इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। सो वेल गाइस जो इसका इस गेम का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मिनिमम 4GB होना चाहिए। अगर ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल का i3 का प्रोसेसर आपके पीसी या लैपटॉप पे होना चाहिए। स्पेस की बात करें तो 30GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को खेलने के लिए। तो इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो भाई कूद फान के जल्दी से मेरे वेबसाइट पे जाओ और इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे आखिरी गेम के ऊपर जो हमारा नंबर 10th गेम है। ओके तो वेल गाइस जो हमारा 10th गेम है उसका नाम है नीड फॉर स्पीड राइवल्स। एंड दोस्तों नीड फॉर स्पीड राइवल्स एक आपका रेसिंग गेम है जिसे डेवलप किया गया है
गोस्ट गेम के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। बेसिकली इस गेम को रिलीज किया गया था 15 नवंबर 2013 को। बेसिकली ये आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स एंड आपके पीसी के लिए। साथ ही साथ मैं इस गेम के बारे में थोड़ा और बता देना चाहता हूँ। इस गेम में आपको टोटली रेसिंग करना रहता है, यहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं। एंड जैसी इस गेम का मैं बता दूँ, इस गेम का जो मैप है वो टोटली आपको ओपन वर्ल्ड का व्यू देता है। खिलाने के लिए आपके पीसी या लैपटॉप पे कितना सिस्टम रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मिनिमम 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मिनिमम 10GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप पे। तो अगर इस गेम को भी अगर आपको खेलना है या इंस्टॉल करना है तो भाई कूद फान के मेरे वेबसाइट पे जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, बस यही कुछ 10 गेम थे आपके 4GB रैम वाले पीसी के लिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि भाई इन टॉप 10 गेम में से आपका फेवरेट कौन सा है एंड आप कौन सा गेम अभी डाउनलोड करने वाले हो। तो आज की वीडियो बस इतना ही था। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो जिनके पास 4GB रैम वाला पीसी है और वो गेम्स खेल नहीं पा रहे हैं। भाई उनको बताओ कि भाई तुम ये गेम्स खेल सकते हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और परिवार का ख्याल रखना, साथ ही साथ अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।